नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक फाउंटेन पेन क्लासमेट की तरफ से। एक एंट्री लेवल फाउंटेन पेन है ये, ऑक्टेन फाउंटेन पेन। तो ये मुझे पड़ गई 40 रुपये की, 40 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये फाउंटेन पेन जिस ऑडियंस पे टारगेटेड है उसके लिए ये काफ़ी अच्छी है। इस प्राइस पॉइंट में अगर आप स्कूल में हैं या आप किसी बच्चे को देना चाहते हैं फाउंटेन पेन तो ये उसके लिए बनी गई है। तो उस प्राइस पॉइंट से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी एक्सेप्टेबल है। हालांकि ये पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, इसका जो क्लिप है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन एक बिगिनर्स फाउंटेन पेन के लिए, स्पेशली जो स्कूल में है उसके लिए काफ़ी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे इसकी जो निब है ये स्टील निब है, इरिडियम टिप्ड निब है ये। और यहाँ पे एक सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है तो उससे इसे पकड़ने में थोड़ी हेल्प मिलती है। और ये आती दो कार्ट्रिज के साथ है। एक चीज़ मुझे जो कमी लगी कि उन्हें एक कन्वर्टर भी देना चाहिए था एज अ स्पेयर। तो अभी तो फिलहाल अगर ये कार्ट्रिज ख़त्म होता है तो आपको नए कार्ट्रिज खरीदने होंगे या फिर इसी को रिफ़िल कराना होगा सिरिंज के हेल्प से। तो चलिए इसे कार्ट्रिज डाल के देखते हैं ये लिखने में कैसी है। इसका साइज जो है वो काफ़ी ही कंफर्टेबल है पकड़ने में। तो हालांकि ये एक एंट्री लेवल फाउंटेन पेन है, ये लिखने में काफ़ी ही अच्छी लगती है। इसकी टिप थोड़ी रफ़ ज़रूर फील होती है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिखने में कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी मीडियम टू ब्रॉड रेंज में इसकी टिप आती है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कोई नोटबुक हो गया या वैसा कोई पेपर हो गया उस पे इसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जब आप थोड़े कस के या प्रेशर डाल के लिखेंगे तो वो निशान ज़रूर छोड़ेगी। इसकी जो इंक है वो काफ़ी जल्दी ड्राई भी हो जाती है, तो वो एक अच्छी बात है। और जहाँ तक लिखने की बात है तो एक एंट्री लेवल फाउंटेन पेन जो होती है उसके हिसाब से मैं इसे दूंगा मे बी 3 आउट ऑफ 5। कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती थी, जैसा कि ये जो लिखती है तो थोड़ी सी निशान छोड़ देती है पीछे में। ये एक फाउंटेन पेन होने के हिसाब से इसे रिसाइकल पेपर पे लिखना तो जस्टिफाइड नहीं होगा क्योंकि ब्लॉटिंग की इशू ज़रूर आएगी, लेकिन हम लिख के देखते हैं ये कैसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये निशान तो छोड़ती है, लेकिन लिखने में कोई कमी नहीं है। ये लिखती काफ़ी ही बेहतर है एक एंट्री लेवल पेन के लिए, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये बैठती है उसमें इसे लिखने में काफ़ी ही मज़ा आता है। तो अगर आप अपनी फाउंटेन पेन की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी बच्चे को फाउंटेन पेन से लिखने की आदत लगाना चाहते हैं तो ये पेन वहाँ पे काफ़ी फिट आती है। तो ये था व्लॉग क्लासमेट ऑक्टेन फाउंटेन पेन पे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी मेरी तरह स्टेशनरी के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।